हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूनम और आज हम देखेंगे क्लास एट्थ का चैप्टर नंबर टू, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स से है। और आज हम एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले आपको वेरिएबल का पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, हमारे पास ए टू जेड लेटर होते हैं। ए टू जेड लेटर में हमारा कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वेरिएबल वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है। एक हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जिसकी वैल्यू वेरी करती है वो हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल। वेरी मतलब अलग अलग आ सकती है, कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 है। 5 क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है कि 5 है, ये फिक्स है। ये तो होगी हमारी वेरिएबल की बात। अब इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है और क्या होती है, हमारे राइट हैंड साइड होती है, और बीच में हमारे पास जो है इक्वल का साइन होता है, वो हमारी क्या होती है, इक्वेशन होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये क्या हो सकती है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 5x-2 इज इक्वल हो गया हमारे पास 3x-7। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और बीच में हमारे पास जो है वो साइन किस चीज का, इक्वल का साइन है। जिसमें इक्वेलिटी का साइन होता है वो हमारी क्या होगी, इक्वेशन। अब यहाँ पर बात क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जब जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। यानी कि हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, हमारे पास क्या हो, 1 हो, तो वो हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन को सोल्व करने से पहले कुछ छोटे छोटे से रूल होते हैं, उनको जान लेते हैं। मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक साइड है राइट हैंड साइड, यहां पर अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है, प्लस का साइन होता है, तो जब हम इसको उस साइड लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस का साइन होता है उस साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का साइन होगा। वाइस वर्सा, मतलब कि जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो निशान क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में। डिवाइड उस साइड जाकर मल्टीप्लाई का हो जाता है, और मल्टीप्लाई होती है तो उस साइड जाकर हमारे पास डिवाइड का हो जाता है। डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाइड राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, डिवाइड का हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ रूल होते हैं कि जब हम साइड को चेंज करते हैं, जब हम साइड को चेंज करते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं उसको, हम ट्रांसपोज बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव करते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x-2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर जो 2 की वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, x, तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिएबल को रखेंगे और राइट हैंड साइड में हम कॉन्स्टेंट को लेकर जाएंगे। तो 2 की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, माइनस का है, तो ये उस साइड जाकर, राइट हैंड साइड में जाकर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 7 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 9। 7 में 2 को ऐड करते तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 2, y+3 इज इक्वल 10। तो यहाँ पर y क्या हमारे पास, वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है y। तो यहाँ पर ये प्लस का 3 जब उस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और 10-3 हमारे पास हो गया 7। तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 7 होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, थर्ड में है हमारे पास 6 इक्वल है z+2। z हमारे पास क्या है, वेरिएबल है।
तो इसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे और टू को इस साइड लेकर आएंगे। जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की है, तो ये इस साइड आकर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर दिस इम्प्लाइज सिक्स में से टू गया, हमारे पास फोर आ गया, तो यहां पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास फोर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल 17/x। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट तरीका क्या है, तो 3/7 को हम उस साइड लेकर जाएंगे, वेरिएबल को हम इस साइड रखेंगे, तो यहाँ पर x 17/7 ये उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा 3/7, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 - 3/7। 17 में से जब 3 जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो गया 14 by 7। अब देखते इसको कटता है तो काट लेते हैं, अदरवाइज ऐसे कैसा छोड़ देंगे। 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14। तो यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पर 2 आ गई। एक तरीका होता है ये इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल 17/7 है, तो यहाँ पर हमने 1 रखा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारा 3 हो गया, 1 × 7 = 7, 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 7x इज इक्वल 7 × 7, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 70। तो इसमें क्या होता है, जो 7 हमने एलसीएम लिया है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, ये हमारा रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या हो गया, इसको हम इस साइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 7x इज इक्वल 17। तो हमने x वेरिएबल को इस साइड रखा और 17 जब इस साइड जाएगा 3 उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा और माइनस में ये हमारे पास बच जाएगा 14। 7x = 14, तो यहाँ पर जो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 × 2 = 2, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू क्या आ गई 2। या तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके दोनों तरफ से एलसीएम को खत्म कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस साइड लेकर जाएंगे और एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।